भाईचारे के साथ जम्मू में पूरे मुल्क को और पूरे दुनिया को हम ये भाईचारे का पैगाम जम्मू से भेज रहे हैं कि हम हर मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, कश्मीर के लोग भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहने दिया जाए। आज इतना बड़ा मुकद्दस त्योहार है ईद उल मिलाद उल नबी, हम हिंदू सारे यहाँ पे शामिल हुए हैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए। और उसी के साथ खुशी का दिन भी ये देखिए कि दूसरी तरफ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है गणेश चतुर्थी और बड़े बड़े त्योहार है। ये खूबसूरत मंजर आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा मेरे साथ। और ये खूबसूरत मंजर हमें जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। आप देखिए, एक तरफ हमारे मस्जिद है, दूसरी तरफ हमारे मंदिर है और साथ में गुरुद्वारा भी है। और देखिए ये गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सब रंग इकट्ठे हो गए, सारे रंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, अजमेरी रंग भी इकट्ठे हो गए हैं। और इस खुशी के मौके के ऊपर प्रधानमंत्री जी, हम ये दुआ करते हैं कि जो रियासत हमसे छीनी गई उस शक्ल में रियासत हमको वापस की जाए। और हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 सुप्रीम कोर्ट में हम ये जंग लड़ रहे हैं और ये वापस आएगी। 3 तारीख को एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है ऑल पार्टीज की, हम उसमें भी भाईचारे का पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर में पहुंचाएंगे और जम्मू कश्मीर जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसे भी हम वापस लाएंगे। और इसके साथ साथ एक पैगाम प्रधानमंत्री जी आपको हम भेज रहे हैं कि देखिए, आपने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और साथ में आपने ये भी कहा था कि आप जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं। ये मौका है, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, दिलों की दूरियां कम करें। हम इंतजार कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल।